हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरमन ओपी गेमिंग। तो गाइस, आज की वीडियो में वो पल आ गया, मैं खेलने वाला हूँ वन ब्लॉक। आपको याद होगा मैंने 6-7 महीने पहले एक सीरीज स्टार्ट की थी वन ब्लॉक की, जिसको मैंने खेला ही नहीं बाद में। लेकिन अब मैं आ गया हूँ वन ब्लॉक के साथ फाइनली वापस, और आज हम वन ब्लॉक ही खेलने वाले हैं यार। वन ब्लॉक और वॉट, तो वन ब्लॉक खेलते हैं, एंड तक देखना। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अब हम वर्ल्ड में आ ही गए हैं, तो सबसे पहले यार एक फार्म बनाते हैं। पहले हो बनाते हैं, हो के लिए स्टिक चाहिए, बन गया हमारा हो। ये यहाँ पे एक फार्म बनाते हैं छोटा सा। 1 2 3 मेलन सीड है मेरे पास, मेलन सीड लगाता हूँ। मेलन सीड आ जा भाई, मेलन सीड लगा दो यहाँ पे। दो पैसा ही पैसा होगा। अरे भाई भाई भाई, माली माल माली माल। ब्रेड, वाटर बकेट, पेड़, पिकैक्स। वाटर बकेट तो सबसे मेन होती है इसमें, वाटर बकेट मिल गई हमको। वैसे आज की वीडियो में भाई मैं क्रीपर से सेव वाली मशीन बनाने वाला हूँ। आपने देखा ही होगा क्रीपर कितने आते हैं ना इसमें, तो आज मैं क्रीपर सेव मशीन भी बनाऊंगा एक। एंड तक देखो, सब देखेगा आपको, एंड तक वीडियो देखो यार। वन ब्लॉक में आए इतनी देर बाद। अरे भाई एक और पिक आ गया, चल भाई अंदर। वैसे यार वाटर बकेट मिल गई है, तो मेरे ख्याल से अपना भाई फार्म को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, और भाई वाटर बकेट बुला देते हैं, क्योंकि वाटर बकेट चाहिए तो भाई मेलन वगैरह उगते हैं, तो थोड़ा सा कर लेते हैं। देखो फास्ट फॉरवर्ड में मेरा फार्म। यहाँ पे यार हमको नीचे ब्लॉक डालना है, ताकि थोड़ा एक नीचे डाउन जा सके। अरे नीचे गिर गया, बच गया। नीचे ब्लॉक लगाने के चक्कर में गिरने लगा था अभी मैं। यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है, इसके नीचे लग जा। अरे लग गया। बस रिस्क क्या को लेना, ऊपर चलते हैं वापस। मरते बचाऊँ, वापस आ जा पानी, वापस आ जा। A few moments later. गाइस यार थोड़ी देर मैंने माइनिंग वगैरह की सब, और अब भाई हाल कुछ ये है कि भाई मैंने अपनी चेस्ट शिफ्ट कर दी इधर, माइनिंग वगैरह करके थोड़े ब्लॉक्स खोद दे, जिससे थोड़ा इधर एक्सपेंड करके मैं चेस्ट इधर शिफ्ट कर दिया, सब सामान डाल रहा हूँ। और अपना फार्म वो भी दिखाते हैं आपको। तो इतनी मेहनत के बाद एडजेंट ये है हमारा फार्म। ये मैंने वाटर डाल दिया है, उगते रहेंगे चीज़ें। अब भाई वही चीज़ हमारी फेवरेट, मुझे थोड़े से पंपकिन के दूसरे वाले सीड भी मिल चुके हैं। सोच रहा हूँ पंपकिन के भी डाल ही दूँ, फार्म थोड़ा बड़ा हो जाएगा, पंपकिन के भी डालते हैं। गाइस आगे जाकर मेरे साथ हादसे होने वाले हैं ना, ये वीडियो देखना पूरी, रो पड़ोगे कसम से कह रहा हूँ। तो यहाँ पे यार थोड़े से पेड़ होगा, अपने पेड़ जो मिले थे आपको याद ही होगा, पेड़ उगाते हैं थोड़े से। मैं तो थोड़ा इधर कर रहा हूँ, तो पेड़ भी उगा सकें। एक अपना ओक वाला यहाँ लगा देते हैं, और एक थोड़ा सा गैप में यहाँ पे लगा देते हैं। आपको याद होगा मुझे बोन मिल तो मिला था, अभी उगा भी दूंगा मैं इनको। एक बिर्च वाला बड़ा है, उसको भी उगाना है। अरे यार डर्ट खत्म हो जाती है, 2 मिनट होते नहीं डर्ट खत्म हो जाती है, फिर से डर्ट लानी पड़ेगी। वाह वाह, कुछ डर्ट माइन करने की बात। तो डर्ट तो फाइनली मैंने माइन कर ली है, यहाँ भी थोड़ा इधर की सेट करता हूँ मैं एक्सपैंड, क्योंकि बिर्च ट्री थोड़ा इधर उगाएंगे हम, चिपका चिपका के उगाए तो उन्हें नहीं है। यहाँ पे एक बिर्च लगा देते हैं,
भाई बोन मिल चुका रहता हूँ पहले तो। एक तूले 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 हो गया, ये भी हो गया, तू भी हो गया। ये क्या भाई, वो दोनों हो गए इतने में, तू क्यों नहीं होगा? ये तो चीटिंग है भाई, भूख कर था तीन बोन मिल, वो दोनों हो गए अच्छे दे, तू होगा नहीं है क्या भाई? कमेंट में बताओ बिरसे का कुछ अलग साफ होता है। गाइस मैं माइनिंग कर रहा था, देखो भाई माइनिंग में कर ही रहा था भाई, क्या होता है इतनी माइनिंग का फल मिल ही जाता है मेरे को, देखो फाइनली अपग्रेड, फाइनली अपग्रेड हो रहा है गाइस, हम स्टोन वाले लेवल पे पहुंच गए हैं अब भाई। स्टोन स्टोन निकलेंगे, स्टोन स्टोन उगा देंगे, स्टोन और व्हाट भाई। इतनी आई ब्लॉक माइन करने के बाद स्टोन आ ही गई है, स्टोन कितना टाइम बाद आया है तू, अब मैं स्टोन ही स्टोन उगाऊंगा। मैं रो दूंगा ऐसा। मैं वो भी बनाने वाला हूँ क्रीपर वाली मशीन जो आपको बताया था मैंने थंबनेल और टाइटल वगैरह में, वो देखना भाई बड़ी सही बनती है भाई वो। आप लोग भी अगर वन ब्लॉक खेलते हो वे बनाना ज़रूर, क्योंकि आपको बड़ा फ़ायदा होगा, ना ही आप क्रीपर मार सकेगा और आप भाई सामान भी मिलेगा आपको जो माइन करोगे, देखना। माइनिंग करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पैसा ही पैसा होगा। अरे भाई आयरन स्वॉर्ड पटेटो, भाई आयरन स्वॉर्ड मिल गई मेरे को, मज़ा ही आ गया भाई। इसको तो भाई मैं पहले जाके संभाल के आऊँगा, आयरन स्वॉर्ड नहीं जानी चाहिए, जान जाए आयरन स्वॉर्ड ना जाए, इतनी अच्छी चीज़ मिली है, संभाल देते हैं इसको। गाइस लिटरली बता रहा हूँ, आधा घंटा मैंने इन जानवरों के साथ सिरकपाई की है, आपको पता ही होगा दो फार्म थे पहले, आधा घंटा सिरकपाई करके ना इनका फेंस एक एक ब्लॉक आगे की है, क्योंकि मेरा वन ब्लॉक साथ चिपका हुआ था, वन ब्लॉक को हिला नहीं सकते, मेरे को फार्म ही थोड़ा एक ब्लॉक आगे करना पड़ा, क्योंकि अभी मैं बुक मशीन बनाने वाला हूँ ना जो आपको मैंने बताया था क्रीपर वाली, उसके लिए भाई आप लोग को भाई पहले तो स्टोन वगैरह चाहिए होंगे, मतलब कोई भी बिल्डिंग ब्लॉक्स ले लो। एरो ही एरो, एरो ही एरो, एरो ही एरो, लग रहे तो बूट भी हैं। तो गाइस सबसे पहले यार वो मशीन बनाने के लिए आपको भाई ऐसे सेंटर में वन ब्लॉक रखना है, और यहाँ पे ना ऐसे ऐसे दीवारें खड़ी कर देनी है जैसे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कर दी, और यहाँ छत भी बना लेनी है। अरे नहीं नहीं छत रुक जाओ, मैं सही करता हूँ इसको, यार ब्लॉक ख़त्म हो रहे हैं ना, ये लग काम है। यहाँ पे वो पहले वाटर बकेट डाल दो ताकि पानी ऐसे फ्लोट करे, जैसे देखिए वो ब्लॉक बाहर आया ना जो आपने माइन किया, और भाई आपको ऐसे पानी डाल देना है और ऐसे दीवार बनानी है जिसमें मैं बना रहा हूँ सेम टू सेम, और एक ना मोड़ 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 पा देना है, मतलब टर्न टर्न डाल देना है ताकि सामान थोड़ा राइट में आए, थोड़ा और माइन करता हूँ मैं, रुक जाओ। ये देखिए जो भी सामान आया मैंने कलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, ऐसे तक कर दिया ताकि पानी ज़्यादा उड़ना। अरे फिर ब्लॉक ख़त्म हो रहे, क्या काम है भाई, फिर जाके माइन करना पड़ेगा आपको। यार ये मैं छत बनाई ना ये नहीं बनानी, ये मैंने गलत बना दी है, ये मैं तीन ब्लॉक की छत बनाई ना, तीन की बनानी है आपको। ये देखिए मैं भी ऐसे बाहर आऊँगा, ऐसे जैसे मैं आ रहा हूँ वैसे ब्लॉक्स आएंगे। ये यहाँ भी लगा दिया एक, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और इसको एक एक और ऊपर कर देना जैसे सारे हैं। अभी मैं करता हूँ रुक जाओ, ये देखिए मैं जैसे ब्लॉक तोड़ूंगा ये जा रहा है वैसे, जैसे जहाँ जहाँ पानी जा रहा है वैसे जा रहा है, ऐसे ही मशीन वर्क करेगी। और जब आप एक ब्लॉक लगाना है आपको बस सामने में, जैसे मैं अभी लगाऊंगा, रुक जाओ देखो पहले मैं थोड़ी माइनिंग कर लूँ। ये देखिए एज एन एग्जांपल जॉम्बी आया, जॉम्बी आके आगे चला गया, आप हमको आगे नहीं ले जाना है, हमको सामने एक ब्लॉक लगाना है ताकि आगे ना जाए, उधर ही रुक जाए और फंसा रह जाए, मार भी जाए। और क्रीपर आएगा तो आपको पता है पानी में क्रीपर का कुछ होता नहीं है, ब्लास्ट भी नहीं होएगा, और आप अगर फट भी, अगर ऊपर से मार दो अगर फट भी गया तो ब्लास्ट से कुछ होएगा नहीं। जैसे ये देखिए ब्लॉक लगा दिया, अब जो अगर आप कोई भी जॉम्बी आएगा तो वो ऊपर नहीं आ पाएगा, जैसे आगे नहीं जा पाएगा मतलब। और अगर आप सोच रहे हो कि भाई माइनिंग वो कैसे आएगा, वो तो सिंपल है, ऐसे माइनिंग करते जाओ, पानी के भाव से ब्लॉक्स आगे जाएंगे, वहाँ से कलेक्ट कर लेना।
और अभी मैं इतना वन ब्लॉक में अमीर हुआ नहीं। अगर आप वन ब्लॉक में अमीर हो तो आप आगे हॉप पर और चेस्ट लगा दो कि चेस्ट में भी खुद ही डल जाए सामान। ये सेफ मशीन है, बिल्कुल बेस्ट मशीन है। आपको ये हर वन ब्लॉक में अगर खेल रहे हो यही बनाओ, बेस्ट है। गाइस आपको इस मशीन में ये ग्लिच फेस करना पड़ सकता है वन ब्लॉक में, जैसे अगर आप माइंड करो ग्रेवल आ जाए और ग्रेवल ऐसा ग्लिच होती है। और भाई लिटरली बता रहा हूँ, मैं बहुत देर फंसा रहा इधर। आई ये देखिए ग्रेवल नीचे गिर गई है मेरे कूदने से, और आपको लग रहा है कि वन ब्लॉक कहाँ गया, वन ब्लॉक रहा ही नहीं, खेलो कैसे। ये ग्लिच है, ये आपको देखेगा वन ब्लॉक नहीं है, लेकिन जैसे आप पानी हटाओगे तो वन ब्लॉक आ जाएगा। और पानी पानी अगर मैं ब्लॉक रख के हटाऊँगा तो गायब हो जाएगा, तो मशीन का कोई फ़ायदा नहीं, आपको पता है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा था कि मैं बाहर कैसे करके ब्लॉक तोड़ के निकल जाऊँ और फिर मैं पानी हटाऊँ। और भाई आप फास्ट फॉरवर्ड में देखो कितना टाइम लगा निकलने में। अब आप खुद ही देखो भाई कितने टाइम के बाद जाके निकला हूँ। और भाई अब आपको दिखाता हूँ भाई वन ब्लॉक ग्लिच चाहिए गायब नहीं हुआ। ये देखिए बकेट मेरी यहीं पे पड़ी है, ये मैंने बकेट ली, मेरी बकेट आ जा भाई। और देखिए मैं बकेट से पानी जैसे हटाऊँगा, ये देखिए मैंने बकेट से पानी पानी हटाया, साथ ही ग्लिच ख़त्म हो गया है। देखिए वन ब्लॉक हमारा उधर ही है, उधर ही था। और मैं वैसी मशीन कर देता हूँ अपनी जैसे पहले थी, ये थोड़ा और यहाँ थोड़ा लगा वाटर बकेट, फिर से हमारी मशीन चलने लग गई है। खुद देखिए आ गया ब्लॉक हमारा इधर तक, बना लो मशीन में कर रहा यार। एक ग्लिच अगर आए जैसे मैंने किया है वैसे ही करना। अब ये देखिए गाइस माइनिंग कर रहा था, ये बेचारा ज़ॉम्बी आया, अभी कुछ नहीं कर सकता, ऐसे क्रीपर भी नहीं कुछ कर सकता, बस पहले उसको मजे करो। ये देखिए बेचारा तड़प तड़प के मर गया, उसकी लूट आ गया गई कुछ कर ही नहीं पाया वो। ऐसे ही भाई ज़ॉम्बी तड़प तड़प के मर जाएंगे तुम्हारे हाथों। तो गाइस इसमें मैंने अभी सोचा था कि जो ये है ना एच लिखा था मैंने पहले पार्ट में, और मैं सोचा था पूरा नाम लिखूंगा हर पार्ट में, एक लिख शब्द लिख दिया करूँगा। तो मैं सोचा यहाँ पे भाई मूव कर देते हैं यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे तो दिखेगा भी नहीं अच्छी तरह, मशीन आ गया। क्योंकि मैं सोचा ये चेस्ट वगैरह के पीछे बनाता हूँ। और भाई बनाते बनाते देखो क्या हुआ, देखो जरा भाई देखो यार। तो अब मैं साथ से एक्सप्लेन भी करता हूँ आपको हुआ क्या। ये देखिए पहले तो मैं यहाँ पे करने लग गया कि थोड़ा एक्सपेंड तो करना पड़ेगा आपको पता है। यहाँ पे मैं सामान वगैरह निकालने लग गया, ब्लॉक्स वगैरह जो भी मेरे पास थे, मैं सारा थोड़ा पीछे को साइड एक्सपेंड करता हूँ लिखना है ना। और यहाँ पे मैं लिख रहा होता हूँ, ये देखिए ये मैंने किया एक्सपेंड, और एक्सपेंड किया और एक्सपेंड किया और एक्सपेंड किया और एक्सपेंड किया। यहाँ पे मैंने एच, पहले सोचा एच लिख दूँ, एच लिखा मैंने एच, ये देखिए। और मेरे पास ब्लॉक एज ऑलवेज, यहाँ पे मैं थोड़ा एक्सपेंड करूँगा और ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि भाई वन ब्लॉक में होता है क्या, और वन ब्लॉक ब्लॉक ख़त्म होते रहते हैं, बस वाइंडिंग करने जाना पड़ता है बार बार। ये मैंने ब्लॉक ख़त्म हो गए, अब ए लिखने के लिए मैं सोचा था कॉबलस्टोन से लिखूँगा ये, क्योंकि एच डर्ट से था। यहाँ पर मैं माइनिंग करता हूँ थोड़ा, और यहाँ गौ माता आती है, ये भी फंस जाती है, मेरे पास पहले बहुत थी तो मैंने मारती उसको। यहाँ मैं थोड़ी और माइनिंग करता हूँ, एक और गौ माता आती है, मैं इसको भी मार देता हूँ। तो मेरे पास पहले बता रहा हूँ बहुत है, तुम्हारे पास बहुत ना हो तो निकाल लेना। ये मैं गिर गया इसमें, मैं तोड़ के बाहर आ गया, मैं इसको फिर से रिपेयर कर दूँगा यहाँ पर। और मैं ब्लॉक्स लिए, और भाई अब मैं चला गया अपना प्यारा ए बनाने। देखो देखो, और ये मैंने अपना प्यारा प्यारा ए बनाना शुरू किया। ये देखिए कि ए ऐसे बनेगा, पहले तो मैंने एच बना दिया, फिर मैं एक ब्लॉक और ऊपर किया इसको कि ये तभी लगेगा ना, ये एक और किया यहाँ पे, देखिए अब लग रहा है ए। और एच मैंने सोचा भाई बड़ा छोटा है, पीछे से जाकर देखा तो सोचा एच को भी एक ब्लॉक बड़ा कर देते हैं। यहाँ पे डट से करूँगा मैं, क्योंकि डट से था ये। फिर मैं एच को एक ब्लॉक ऐसे किया, फिर मैंने कहा ये गंदा लग रहा है, फिर मैंने ऐसे किया। और जब मैं भाई थोड़ा पीछे के व्यू ले रहा था तब भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो।
गाइस लिटरली बता रहा हूँ भाई, इस मोमेंट के बाद ना मैं पूरा लग बता रहा हूँ, चीख पड़ा था भाई। मेरी फैमिली आके पूछ रही थी क्या हुआ, मैं चीख पड़ा था भाई। इसके बाद तो भाई मैं लिटरली 30 सेकंड तक यू डाइट से नहीं दबाया भाई, यार सब गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। लिटरली इतना सामान था, और भाई आगे 30 सेकंड तक भाई मेरे को दिमाग ये चाटेंगे, देख लो। मैं इतना मैं गुस्से में था, मैं कह रहा था मार लो भाई, मार लो मुझे मार लो, लिटरली मार लो। फिर गिरा दिया मेरे को यार, 4-5 बार तो मैं ऐसे ही मरता हूँ। भाई कैसी लगी, आगे स्वाद। आई एम सॉरी बाबू, उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, गजब बेइज्जती। ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ भाई ये क्या था मेरे को बताओ भाई, मैं आयरन स्वॉर्ड निकाली, मैं सोचा इनको भाई तेल तो दिमाग खराब कर दिया था, तेल से मार रहे थे भाई। आयरन स्वॉर्ड निकाली, चेस्ट बंद की, मैं गिर गया होगा था। वाह मोदी जी वाह, क्या सीन है। मतलब इसके बाद तो भाई मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी, मैंने कहा क्या ही खेलना भाई, कुछ है ही नहीं, स्वॉर्ड तक चली गई भाई, रोने वाला हो गया था मैं, क्या बताऊँ भाई। फार्म भी उखेड़ दिया मेरा भाई, यार बस यार मैं कुछ नहीं करना चाहता भाई। बाय बाय भाई, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। यार आज की वीडियो पसंद आई हो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना, तो इधर तक देख रहे हो तो पसंद आई होगी, कर देना लाइक सब्सक्राइब शेयर, और भाई थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय भाई, दुखी दुखी भाई।